as demanded by you people, I have only made this video for diet plan. Yeah, there is no workout in this video. Workout के लिए अलग से एक video बनाऊंगा. फिलहाल diet plan के लिए ये video है, क्योंकि आपको diet plan चाहिए था. Weight loss के लिए diet plan is here. And if you are looking for shortcut, guys, ये video बंद कर दो और चले जाओ, क्योंकि कोई shortcut नहीं है weight loss के लिए. ठीक है, bye bye. Hello everyone, welcome to another Transformation Tuesday. Yes guys, this is Transformation Tuesday and let's get started. So, जो मेरा पिछला वीडियो था, अगर आपने देखा नहीं हो तो मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में. तो उसमें मैंने पूछा था कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, एक्टो, एंडो या मेजो. अब एक्टो जो होता है बहुत पतले होते हैं और मेजो होते हैं जो थोड़े से फिट रहते हैं, और एंडो रहते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं. तो इसका जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया अभी आपको पता है, और आपको अगर पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप लिंक देख सकते हैं, आई बटन में दे दूंगा मैं. सो तो उस सबसे बहुत लोगों ने मुझे बोला कि उनकी बॉडी टाइप एंडो में आती है. कुछ एक्टो वाले भी थे और मेजो वाले सबसे कम थे. तो दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एंडो वालों से, या क्योंकि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका वेट जल्दी लॉस नहीं हो रहा है. तब उनको वेट लॉस कैसे करना चाहिए, तो आज हम उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे. वेट लॉस कैसे करें उस पर आज हम पूरी बात करेंगे, और मैं कुछ कुछ टिप्स दूंगा उस पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि डाइट क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन से आप चीज़ें खा सकते हो व्हेन यू आर ऑन वेट लॉस. ठीक है, सो नाउ देर आर टू वे टाइप्स ऑफ लूजिंग वेट. फर्स्ट इज द हेल्दी वे एंड सेकंड इज अनहेल्दी वे. अब हेल्दी वे में क्या होता है कि आप अपना जो वेट लॉस करते हो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वर्कआउट के साथ लूज करते हो. अनहेल्दी वे में क्या होता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, मोस्टली आप लिक्विड डाइट पे जाते हो. तो जो भी कोई जो भी कोई नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, जो क्वालिफाइड रहेगा, जिसको पता रहेगा, वो आपको कभी भी लिक्विड डाइट पे नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है अगर आपका वेट लॉस लिक्विड डाइट पे गया देन योर स्किन विल स्टार्ट लूजिंग इट, श्रिंक होगा पूरा स्किन, ऐसे पतला होकर से नीचे गिरने लगेगा. और उसके बाद में एक ही उपाय है उसके लिए, सर्जरी. और सर्जरी करके आपको स्किन आपका रिपेयर करना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रमोट अ हेल्दी वेट लॉस, अ हेल्दी वे टू लूज योर वेट. अब ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए. सो गाइज, अगर आप एंडो में आते हो या ओबेसिटी के शिकार हो, तो न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस. सो 70% इज योर न्यूट्रिशन एंड 30% इज योर वर्कआउट. या अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, वर्कआउट किया, तो कुछ नहीं होगा. अगर आपने खाली न्यूट्रिशन लिया, वर्कआउट नहीं किया, तो भी कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स, दोनों को साथ में लेके चलना है. वैसे तो न्यूट्रिशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट फिलहाल हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दिस आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड विटामिंस. या दिस आर मैक्रो एंड माइक्रो, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन, अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हो तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेना है. कैलोरी डेफिशिएंट डाइट क्या होती है, जहाँ पे आपकी कैलोरी की इंटेक बहुत कम होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलोरी. फर्स्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और यू कैन से हीट एनर्जी. सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलोरी डेफिशिएंट डाइट. अब कैलोरी डेफिशिएंट डाइट ये होता है, अगर आपका डेली का इंटेक 2000 किलो कैलोरीज है, तो आपको उसको कम करके 1500 या 1000 किलो कैलोरीज पे आना है. और अगर जितना आप कैलोरीज खाओगे उससे ज़्यादा उसको बर्न करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2000 कैलोरीज इंटेक करता हूँ, तो आई हैव टू बर्न 2500 कैलोरीज और 3000 कैलोरीज, या मोर देन दैट, तभी आपका बॉडी वेट लॉस पे जाएगा. ठीक है, अभी कुछ खाने की चीज़ें आपको अगर पूछोगे कि कैलोरीज, लो कैलोरी डाइट क्या होता है, लो कैलोरी चीज़ें क्या होंगी, तो गाइज वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं एक PDF बना के अटैच कर दूंगा, आप वो डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें लो कैलोरी डाइट में आती है, और आप वो कंज्यूम कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में. अब क्वेश्चन आएगा कि हमारी डाइट लो कैलोरी कैसे रखें. सो गाइज, लो कैलोरी डाइट में होता है कि आपका प्रोटीन हाई रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम रहेंगे. ठीक है, और अगर आप कीटो पे जा रहे हो तो फैट्स हाई रहेंगे. बट आई डोंट प्रमोट कीटो, क्यों नहीं करता हूँ आगे वाली वीडियो में बताऊँगा. सो इफ यू आर गोइंग ऑन लो कैलोरी डाइट, मेक श्योर योर प्रोटीन इंटेक इज हाई एंड योर कार्ब्स इज लेस, एंड तुम्हारे कार्ब्स कम होने चाहिए, और फैट्स भी जितने कम हो उतने अच्छे हैं. ठीक है, नाउ देर आर थ्री पॉइंट्स, लाइक जो मेरे मेजर थ्री पॉइंट्स हैं जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ ड्यूरिंग वेट लॉस. फर्स्ट, दे शुड हैव 5 स्मॉल मील्स इन अ डे, दे शुड हैव लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, एंड द थर्ड थिंग इज दे शुड हैव ग्रीन टी एंड एप्पल इन द इवनिंग. या दैट विल हेल्प यू टू लूज योर क्रेविंग्स, जो खाने की भूख होती है, जो खाने की इच्छा होती है बाहर की चीज़ें, वो कम करने में आपकी हेल्प करेगी. ठीक है, सो मिलते हैं ऐसे किसी अनदर ट्यूजडे में टू ट्रांसफॉर्म यू पीपल. टिल देन, बाय बाय. एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर वेट लॉस, वेट गेन और एनीथिंग, यू कैन रीच आउट टू ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज आई सौरभ तिवारी, यहाँ पे दे दूंगा मैं, आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. टिल देन, बाय बाय. एज ऑलवेज, सौरभ साइनिंग आउट. टिल देन, स्टे फिट, स्टे सेक्सी.